यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िये को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती हैं? यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पत्थरवा करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती,
तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। फिर वह यर्दन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था, और वहाँ बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया।